हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यमी और डिलीशियस कलाकंद की रेसिपी। इस रेसिपी को आप किसी भी पर्व और त्यौहार पर बना सकते हैं, या फिर जब भी आपका मन करे खाने का तो आप इस रेसिपी को बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिश्रण तैयार करने हैं। मिश्रण के लिए हमें चाहिए 1 बड़े चम्मच विनेगर यानी कि सिरका और 1 चौथाई कप पानी। इन दोनों का क्वांटिटी इतना ही होना चाहिए, या फिर आप चाहो तो दूध फाड़ने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप दूध को नींबू से भी फाड़ सकते हैं। इधर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। यह 1 लीटर दूध है, गाय का दूध है, या फिर आप चाहो तो भैंस का, या फिर फुल फैट जो मिल्क होता है वह ले सकते हो। दूध को हमें उबाल लेना है क्योंकि दूध को हमें फाड़ने हैं, तो दूध को उबालने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो आप इसे इत्मीनान से उबालें मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए दूध में बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम 1 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जब दूध 1 मिनट के लिए ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें इस मिक्सचर को डालना है, और इसे हम 2 से 3 बार में डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालने से दूध तो फट जाता है पर जो छेना आता है ना वह हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए आप इसे 2 से 3 बार में डालकर फाड़ें। ऐसा करने से छेना बहुत ही सॉफ्ट रहता है। या अब भी अगर आपका दूध फट नहीं रहा हो तो आप इसमें थोड़ा मिक्सचर को और डाल सकते हैं। तो ये हमारा दूध अच्छी तरह फट गया है, छेना अलग हो गया है और पानी अलग। इसे ड्रेन कर लेंगे, और जो छेने का पानी है आप उसे फेंके नहीं, आपका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दाल बनाने या फिर आटा गूंथने में। छेना को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी विनेगर का जो खटास है, स्मेल है, टेस्ट है वह ख़त्म हो जाए। तो इसे हमें ठंडे पानी से धो लेना है। तो ये हमारा छेना अच्छी तरह साफ हो गया है। अब इसके अंदर जो भी पानी है इसे हम निचोड़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दबाकर नहीं निचोड़ना है, इसे हमें हल्के हाथों से ही दबाना है। अगर आपका छेना ज़्यादा ड्राई हो गया तो भी मिठाई बहुत ही हार्ड बनेगा, तो इसलिए हमें छेना को बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। अब हमें रबड़ी की तैयारी करनी है। तो रबड़ी के लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर दूध। तो दूध गर्म होने से पहले पतीले में डालेंगे 2 चम्मच के करीब पानी और 1/2 लीटर दूध। पानी डालने से जो दूध है नीचे तले से लगता नहीं है, चिपकता नहीं है, तो यह भी गाय का ही दूध है। अब इसे हमें 1/4 होने तक रिड्यूस कर लेना है, मतलब कि इसे हम मीडियम फ्लेम पे पहले पकाएंगे, और इसके बाद जब दूध धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो फिर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसके ऊपर मैंने लकड़ी का स्पैटुला डाल दिया है, इससे दूध उबलेगा तो उफान जो आएगा वह बाहर नहीं निकलेगा। तो जब तक हमारा दूध रिड्यूस होता है इधर छेने को मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे चिकना नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर जो भी ये गुठलियाँ हैं, गांठे हैं बड़ी बड़ी, इसे हमें तोड़ना है इस तरह से। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसमें दाने रहने चाहिए क्योंकि कलाकंद में दाने होते हैं। तो छेने को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और इसमें आप देख सकते हैं दाने भी हैं, मतलब कि यह बिल्कुल परफेक्ट है। या फिर अगर आप छेना बनाना नहीं चाहते हो तो आप पनीर लेकर उसे कद्दूकस कर ले, और कद्दूकस करने के बाद इस तरह से फॉक से मसल ले तो उसमें भी दाने आ जाएंगे। दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है पर इसे हमें भी और रिड्यूस करना है। इसे हमें 1/4 होने तक रिड्यूस करना है, पकाना है। तो उससे पहले डाल देते हैं इसमें चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। चीनी डालते ही दूध पतला होना शुरू हो जाता है, तो अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अब हम दूध को हाई फ्लेम पे उबालेंगे जिससे कि दूध जल्दी गाढ़ा हो,
और इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। और जो साइड में मलाई जम गई है तो इसे हम इस तरह से खुरेचते हुए दूध में ही मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा दूध 1/4 होने तक रिड्यूस हो गया है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया गाढ़ा मलाई जम गया है। इसमें डाल देते हैं पनीर को जिसे हमने मिक्स किया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें पनीर को पकाना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इस मिश्रण को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाने हैं। इसे हमें धीरे धीरे गाढ़ा करना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे गाढ़ा तो हो जाएगा पर जो पनीर है अच्छी तरह पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा, फिर इसमें बहुत बढ़िया स्वाद नहीं आएगा, कच्चेपन का स्वाद लगेगा। तो इसीलिए इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकाने हैं जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए, जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो ये हमारा कलाकंद का मिश्रण तैयार हो गया है और जैसे जैसे यह ठंडा होगा या गाढ़ा होते जाएगा, मतलब कि जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इसे हमें फ्रिज में नहीं डालना है, इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। आप एक बार यह मिठाई बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे ठंडा होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। आप इसे अच्छी तरह ठंडा कर ले। इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची के पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो जिससे कि यह देखने में काफ़ी अच्छा लगे, पर मैं इसमें फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। और जो मैं कलाकंद बना रही हूँ इस शेप का बनाऊंगी, या फिर आप चाहो तो इसे किसी भी प्लेट में डालकर जमा ले और अपने मनपसंद के शेप और साइज में काट ले। वैसे कलाकंद तो ज़्यादातर चौकोर साइज का ही होता है। तो इस चम्मच के ऊपर मैंने प्लास्टिक का जो फॉइल होता है उसे लगा दिया है। इसे निकालने में बहुत ही आसानी होती है, बड़े ही आराम से निकाल आते हैं। या फिर आप चम्मच को ऑयल या घी से ग्रीस कर ले, उसमें डाल दे तो भी आसानी से निकल आता है, आपको जैसा पसंद हो। पर इस तरह से बनाने से ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है, नीचे कहीं से लगता नहीं है। तो अच्छी तरह से हमें दबा कर रखने हैं, अंदर तक करने हैं। और ये जो प्लास्टिक सीट है इसे हम इस तरह से हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारा कलाकंद तैयार हो गया है। बाकी सभी को हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। तो चलिए इसे गार्निश कर देते हैं पिस्ता और केसर से। बहुत ही टेस्टी बना है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इस मिठाई को स्टोर करके भी रख सकते हो, तो आप इसे किसी भी डब्बे में बंद करके रख दें तो यह ऐसे ही सॉफ्ट बना रहेगा। आप जब भी कोई मिठाई बना रहे हो और उसे आप स्टोर करके रख रहे हो तो इसे आप कवर करके रखें। इससे जो आपका मिठाई है काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहता है, ऊपर से सूखता नहीं है। होप सो आपको हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।